दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आजकल ये टोने टोटके वाले लोग बहुत ज्यादा घूम रहे हैं और वो आपका काम तो बिगाड़ते ही हैं इन टोने टोटके के द्वारा, बल्कि वो आपसे पैसे भी ऐंठते हैं और आपको कोई फायदा भी नजर नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, थोड़ा बच के रहें। हम जो आपको उपाय बताते हैं वो बहुत ही सरल हैं और बहुत ही आसान हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। जो सामग्री हम यूज़ करवाते हैं वो भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, और हम जो आपको मंत्र बताते हैं वो सिद्ध मंत्र हैं दोस्तों। वो हमारे गुरुजी ने बहुत ही साधना और तपस्या के बाद प्राप्त किए हैं। इन मंत्रों का और इन उपायों का आज बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप भी अगर अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उसका हल चाहते हैं और उसका हल आपको नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे इन सरल उपायों को प्रयोग में लाइए और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाइए। जी हाँ, बहुत तरह की समस्याएं आज हमारे जीवन में आ गई हैं। उसमें से सबसे बड़ी समस्या है ग्रह क्लेश। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर झगड़े ना होते हों। दोस्तों हम चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे और आपको भी ग्रह क्लेश से छुटकारा मिले। हर घर यही चाहता है, और हमारे इस उपाय को करने के बाद बहुत से घरों में शांति का वास हो गया है दोस्तों। और हम चाहते हैं कि आपके यहां भी शांति आए और आप भी हमारे इस उपाय को प्रयोग में लाएं और इसका लाभ उठाएं। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करने के बाद आपके घर से किसी भी तरह का झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये दावा है हमारा। जी हाँ, आइए बताते हैं कि क्या करना होगा आपको इसके लिए और क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा मिट्टी का मटका, एक टमाटर, कुछ सुइयां, एक छुआरा, एक अखरोट, एक सुपारी, दो कमलगट्टा, दो लौंग, तीन इलायची और पांच काली मिर्च और एक कपूर का टुकड़ा। जी हाँ, और दोस्तों इस विधि को करने के लिए आप टमाटर को बीच में से काटिए। इस प्रकार काटिए कि उसके अंदर आपको थोड़ी जगह दिखाई दे। अब इसमें आप दो लौंग डालिए, तीन इलायची इसमें आप डालेंगे और पांच काली मिर्च डालिए और दो कमलगट्टा और एक सुपारी इसमें आप रखेंगे, और जो सुइयां आपके पास हैं उसमें से सात सुई लेकर आप इसमें लगा देंगे इस तरह। ये सात सुइयां लगाने के बाद आप इसको इस मटके में डाल देंगे। उसके बाद ये छुआरा आप इस मटके में डालेंगे और ये अखरोट डालेंगे और इसको आप काले कपड़े से ढककर और उसको कलावे से बांध देंगे। इसको बांधते वक्त आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है विशेष, कि आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है दोस्तों। वो मंत्र बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आप इस कलश को लेकर अपने घर के हर कॉर्नर में जाएंगे,
वहां पर इसको रखेंगे और उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, इससे आपकी ग्रह क्लेश और अशांति जो आपके घर में फैली हुई है वो एक हफ्ते के अंदर दूर हो जाएगी दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों इस कलश को घर के हर कोने में घुमाने के बाद आप इसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए और ये ध्यान रखिए कि ये काम करते हुए आपको कोई ना देखे। तो ये अच्छा होगा अगर आप रात को जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे इस कलश को गाड़ दें और उसके बाद आप अपने घर वापस लौट आइए पीछे बिना मुड़े देखे हुए। जी हाँ, तो ये दो बातें बहुत आवश्यक हैं। एक तो जब भी किसी कोने में इस कलश को आप लेकर जा रहे हैं अपने घर में, वहां पर मंत्र का उच्चारण करना है और ये आपको उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। तो दोस्तों ये था बहुत ही सरल उपाय इस बात के लिए कि आपके घर में शांति बनी रहे और किसी भी तरह का झगड़ा या क्लेश अगर घर में है तो वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। अगर आपको इस विधि को अपनाने में या इस उपाय को करने में किसी भी तरह की कोई भी शंका हो या किसी भी तरह की समस्या आपको सामने आ रही हो तो आप बेझिझक हमारे स्क्रीन पर नीचे आए हुए नंबर्स पर हमारे गुरुजी से कभी भी संपर्क कर सकते हैं और उनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वो आपको सही सलाह देंगे। और जो मंत्र मैंने आपको बताया, जी हाँ मैं आपको मंत्र बता भी सकता था लेकिन ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है दोस्तों। ये मंत्र व्यक्ति विशेष के लिए बनाया जाता है उसके नाम और उसकी राशि को ध्यान में रखते हुए। तो जब आप हमें फ़ोन करें तो आपका नाम और आपकी राशि जानने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा मंत्र उचित रहेगा। उसी मंत्र का आपको उच्चारण करना है और बहुत जल्द हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ग्रह शांति प्राप्त होगी और आपको क्लेश से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जय माता दी।